बिग बॉस के घर में विकास गुप्ता, आसिम रियाज, रश्मि देसाई और शेफाली जारीवाला बन चुके हैं पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ की कठपुतली। आज के एपिसोड में ऐसे ऐसे काम कराए हैं ना इन लोगों से, काफी मजा आ गया देखने में। और कल भी ये टास्क कंटिन्यू होने वाला है और कल भी एक बड़ा धमाका घर के अंदर होने वाला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है यशु, समर ले आया हूँ आपके लिए बिग बॉस के घर से एक्सक्लूसिव और चटपटी खबर। आप देखते रहिए द डॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड बटन है उसको जरूर दबाएं, सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर, बिल्कुल फ्री है। उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाएं सबसे पहले। तो बात करें कल रात के एपिसोड में होने वाले प्रोमो की, तो यहां पर पारस छाबड़ा अपना दशानंद वाला दिमाग चलाते हैं जो उन्होंने आज किया। आज मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सारा जो टास्क था वो पूरा एक तरह से पारस छाबड़ा ने किया है। वो पूछ रहा था बीच बीच में, लेकिन फिर भी जो एक ओवरऑल टास्क है वो पारस छाबड़ा ने किया है और पारस छाबड़ा ही उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और कल भी पारस छाबड़ा का जो ये दिमाग है शकुनी वाला, ये चलने वाला है काफी। और यहां पर वो करा देते हैं रश्मि और यहाँ पर विशाल की लड़ाई। पारस रश्मि को बोलते हैं कि आप विशाल के पास जाइए और उनको उनकी गेम समझाइए। यार ऑब्वियस है, अगर कोई हमको हमारी गेम समझाए या बताए कि हम कैसी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, तो वो बंदा गुस्सा होता है, किलस जाता है। तो यहाँ पर वही करते हुए दिखते हैं रश्मि विशाल के साथ और विशाल रश्मि की बातों से किलस जाते हैं और वहां हो जाती है उन दोनों की लड़ाई। एक वो लड़ाई जो है वो एक अच्छा बड़ा रूप लेने वाली है कल के एपिसोड में, हमें ऐसा देखने से लगा। क्या ये लड़ाई सच में ऐसा रूप ले लेती है या फिर क्या होता है इस लड़ाई का अंजाम देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन पारस ने जो माचिस का काम है वो कर दिया है और आग उन दोनों के बीच में लगा दी है। तो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हैं कल के एपिसोड के लिए मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। कीप ऑन वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।